मुरादाबाद में धोखाधड़ी कर स्कीम में पैसा लगाकर अधिक ब्याज देने का लालच देकर लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले 25,000 के इनामी आरोपी को सिविल लाइन्स थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने प्रेस वार्ता कर ठगी की घटनाओं का खुलासा करते हुए बताया कि सिविल लाइन्स थाना पुलिस ने 25,000 के इनामी आरोपी मूल रूप से छजलैट थाना क्षेत्र के गांव गोविंदपुर ज्ञानपुर हाल निवासी सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र के आशियाना कॉलोनी के रहने वाले अजय यादव पुत्र ठाकुर सिंह यादव को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी ने पुलिस को बताया कि वो म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड और जनहित प्रोडक्शन कंपनी लिमिटेड नाम से आशियाना कॉलोनी में एक कार्यालय चलाकर लोगों से 6 वर्ष में धन दोगुना करने के नाम पर बैंकों की तरह आरडी और एफडी और मासिक प्लान के रूप में पैसे लेता था। करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले अजय यादव को सिविल लाइन्स थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपी पर उत्तर प्रदेश ही नहीं उत्तराखंड के भी कई जिलों में मुकदमे दर्ज हैं। ये थाना सिविल लाइन्स पर कुछ अभियोग पंजीकृत हुए थे जिसमें एक कंपनी बनाई गई थी, एक चिटफंड कंपनी थी, जनहित म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड और जनहित प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। ये लोगों से पैसा जमा करवाते थे आरडी और एफडी के नाम पर और उनको एक कम समय में उसको दुगने करने का इन्होंने उनसे प्रॉमिस किया था। उनको एफडी इन्होंने जारी भी की थी लेकिन जिस समय उसकी मैच्योरिटी का समय आया तो फिर ये व्यक्ति वो कंपनियां बंद करके यहाँ से भाग गया। इस संबंध में कई थानों में ये जो व्यक्ति है जिसका नाम राजीव है, सॉरी अजय कुमार यादव पुत्र ठाकुर सिंह, इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुए थे। काफ़ी बड़ा अमाउंट लोगों का लेके तमाम लोगों का ये व्यक्ति फरार चल रहा था। इसके विरुद्ध मुरादाबाद के अलावा उत्तरांचल के भी उत्तराखंड के भी कई थानों पर जैसे टनकपुर चंपावत घनसाली नैनीताल अल्मोड़ा कर्णप्रयाग इन जनपदों में इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किए गए थे और ये लगातार फरार चल रहा था। और जानकारी में आया है कि वहाँ से भी थाना चंपावत से इसके ऊपर इनाम चल रहा था पूर्व से, हमारे जनपद से भी ये 25,000 रुपये का इनामी था। और इसमें एक महत्वपूर्ण सफलता थाना सिविल लाइन्स पुलिस को मिली है, इसकी गिरफ्तारी हुई है और इससे तमाम लोगों को जो जिन्होंने अपने जीवन की बड़ी ही मेहनत से कमाई हुई गाड़ी कमाई इनके यहाँ लगाई थी इस उम्मीद से कि उन्हें कुछ उसका प्रतिफल मिलेगा, लेकिन उनके संग ठगी करके ये व्यक्ति फरार हो गया था। पुलिस के द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया है, इसको न्यायालय के समक्ष प्रोड्यूस किया जा रहा है और किससे लोगों को पकड़े जा चुके हैं। इसमें पूर्व में भी कुछ अभियुक्त जेल गए हैं लेकिन अभी भी कुछ शेष हैं, लेकिन ये मेन सरगना है इस पूरे नेटवर्क का। जो कंपनियां थी इसी ने फॉर्म की थी, बाकी इसके सहयोगी थे लेकिन जो मुख्य कर्ता धरता है वो यही व्यक्ति है जिसकी गिरफ्तारी पुलिस ने की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।